अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? होप बात से ठीक होगे। सो आज की वीडियो का भाई जो टॉपिक है ये है कि आप इस तरह ओएलएक्स पे एक अकाउंट बना सकते हैं, इजीली उस पे एक ऐड लगा सकते हो। सो ओएलएक्स जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ चीज़ें सेल करने के लिए नहीं है, आप उसमें सर्विसेज भी अपनी सेल कर सकते हो। सर्विस मीन अगर आप एक मैकेनिक हो, इलेक्ट्रिशियन हो या जो भी हो, आप अपनी जो सर्विसिंग है उसको ईजिली ओएलएक्स पे सेल कर सकते हो, अपना एक ऐड लगा सकते हो एंड लोग आपको रीच आउट करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि हम ओएलएक्स पे एक अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, उस पे ऐड किस तरह लगा सकते हैं। तो वीडियो में आपको पहले ही बता दूं कि आपको इसमें अपना फोन नंबर लाजमी देना पड़ेगा, वरना जो कस्टमर है या लोग हैं वो आपको रीच आउट नहीं कर पाएंगे। एंड इनशाला वो भी आगे मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप पहले गूगल अकाउंट से बता दूंगा, लेकिन आपको अपना फोन नंबर जो है वो लाजमी तौर पर अटैच करना पड़ेगा, वरना लोग आपसे रब्ता नहीं कर सकेंगे। तो आपको लेके चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ एंड आपको बताते हैं कि भाई किस तरह हम ओएलएक्स पे एक अकाउंट बना सकते हैं एंड किस तरह उस पे एक ऐड लगा सकते हैं। सो भाई यहाँ से सीधा आप लोगों ने जाना है अपने OLX एप्लीकेशन पे, जो आप प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। OLX पे जाने के बाद भाई आपने अपना जो है गूगल अकाउंट जो है यहाँ पे साइन इन कर लेना है अपने गूगल अकाउंट से। मैं तो गूगल से ही करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है एंड बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पर मैं रिलोड पेज पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं अपने गूगल से कर रहा हूँ। आप अपने फ़ोन नंबर या फेसबुक से भी कर सकते हो, उसका कोई इतना मसला नहीं है। एक मिनट ज़रा ऑन हो ले, तो आप अपने फेसबुक या फ़ोन या ईमेल से भी कर सकते हो, मैं गूगल से करता हूँ। एंड जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूँगा ये मुझे खुद ही वेलकम कर देगा। अब यहाँ पर ये आपसे लोकेशन का पूछेगा, आपने लोकेशन नियर मी में डाल देनी है और लोकेशन ऑन कर देनी है। नियर मी पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा सेलर या मैं कहूँ ज़्यादा बायर्स मिल जाएंगे, प्रोडक्ट ख़रीदने वाले या आपकी सर्विस लेने वाले। सो नियर मी पे क्लिक कर देता हूँ मैं एंड गेटिंग लोकेशन पे क्लिक करके ये मेरे इर्द गिर्द मुझे ऐड दिखा देगा, मेरी लोकेशन के इर्द गिर्द जो लोग चीज़ें बेच रहे हैं या जो भी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई चीज़ अपनी बेचनी है तो आपने सेल पे क्लिक करना है सिंपली। एंड यहाँ पर अगर मोबाइल बेच सकते हैं, व्हीकल बेच सकते हैं, व्हीकल जो भी बाइक्स सर्विसेज वगैरह। सो यहाँ पर अगर आपने सर्विस बेचनी है तो यहाँ पर आपने सर्विस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने अपनी टाइप देख लेनी है या मेरे को अपनी कैटेगरी देख लेनी है। अब मैं वॉशिंग मशीन को अगर काम करता हूँ तो मैं यहाँ पर अदर सर्विसेज पे क्लिक करूँगा जो सबसे ऊपर आ रहा है। अदर सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपने अपनी लोकेशन चूज़ करनी है, जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर आपकी दुकान है या जहाँ पर आपकी वर्कशॉप है या जहाँ पर चीज़ें आप सेल कर रहे हैं, एड टाइटल पे क्लिक करके आपने उस चीज़ के रिलेटेड थोड़ा बहुत लिख देना है एंड डिस्क्रिप्शन में जो है भाई उसकी सारी डिटेल्स लिख देनी है। एंड ऊपर टॉप पे आपने अपनी ऐड इमेज पे क्लिक करके इमेजेस ऐड कर देनी है एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आपका ऐड जो है वो लग जाएगा। अब यहाँ पर आप चैट्स वाले ऑप्शन पे अपने जो है मैसेजेस देख सकते हो, चैट्स वाले ऑप्शन पे, और वहाँ पे माय एड्स पे अपने एड्स को देख सकते हो। एंड अगर आप अपना एक ऐड लगा देते हो तो वो एक ही दफ़ा लगेगा, उसके बाद आपको OLX के प्रीमियम वर्जन को ख़रीदना पड़ेगा या फिर उसका जो ऐड है उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो यार आई होप आपको इस छोटे से वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को, हो सके तो फॉलो करना इंस्टाग्राम पेज पर। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।